हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मेथी पत्ता को कैसे आप फ्रोज़न कर सकते हैं और ज़्यादा दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। ये मेथी पत्ता को मैं रिमूव कर ली हूँ, पत्ता अलग कर ली हूँ सब। आप देखिए, पत्ता अलग हो गया है। अब मैं इसे देखिए, पूरा अलग हो गया है। इसको अच्छी तरह से धोना है क्योंकि इसमें मिट्टी बालू वगैरह ये सब रहता है, तो आप अच्छे से पहले इसे धो लो। धो के उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे। पहले मैं धोने जा रही हूँ, धो के आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए, मैं इसे अब धो ली हूँ, ये पूरी तरह से अच्छे से धो ली हूँ क्योंकि बाद में नहीं धोना है इसे। धो के और इसे मैं काट ली हूँ, बारीक काटना है। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब छोटा छोटा बारीक काटना है आपको। देखिए अब मैं इसे नैपकिन पेपर में रखी हूँ, टिश्यू पेपर में। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप न्यूज़ पेपर में भी इसे रख सकते हो। थोड़ा ड्राई हो जाए तो ये अच्छा होगा, ड्राई हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद आप इसे स्टोरेज बैग में रख सकते हैं। ये काफ़ी दिन तक चलता है, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका चलेगा। आपको इस फ्रीज़र में रखना है इसे। और देखिए, जैसे आपको दिख रहा है ना वैसे ही आप 6 महीने 1 साल तक भी रखिएगा तो आपको ऐसे ही नज़र आएगा ये मेथी पत्ता। मैं इसे पराठा वगैरह बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे बच्चे को अच्छा लगता है, तो हम लोग पराठा वगैरह बनाती हूँ तो इसमें डाल लेती हूँ। देखिए ये पूरे तरीके से 5-10 मिनट तक छोड़ दीजिए आप इसे, उसके बाद ये पूरा ड्राई हो, थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अब देखिए, मैं न्यूज़पेपर में भी आपको रख के दिखा रही हूँ। टिशू पेपर है आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप न्यूज़पेपर में भी ऐसे रख के इसको ड्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा 10-15 मिनट तक आप छोड़ दीजिए, उसके बाद थोड़ा ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हैं, बैग में रख सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है। ये आप हमेशा घर में स्टोर करके आप रख सकते हैं, ज़्यादा ले आइए मार्केट से और रख दीजिए। अब मैं इसे बैग में रखने जाऊँगी। ये देखिए, मैं पहले का थोड़ा सा रखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं वही दिखा रही हूँ आपको। ये पहले का है मेरा रखा हुआ मेथी पत्ता, एकदम आप है ना जैसे रखोगे ना वैसे ही रहेगा। इसको सिर्फ निकालना है और बनाना है, इसे वास नहीं करना है क्योंकि हम लोग पहले ही वास कर चुके हैं। अब देखिए ये देखने में कैसा लग रहा है। देखिए ये अभी मैं फ्रीजर से निकाली हूँ, देखिए कितना अच्छा है। अब मैं इसे बैग में रख चुकी हूँ, स्टोरेज बैग इसे रख दी हूँ। अब मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी। और अगर मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़। देखिए मैं अब इसे फ्रीज़र में रख दी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।